दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उन लोगों में से हमें ना करना जिस पे तूने अपना गज़ब नाजिल किया है, लेकिन हर वो काम वही करते हैं जो अल्लाह के गज़ब को और अज़ाब को दावत देता है। झूठ हम बोलते हैं, रिश्वत हम देते हैं, जुल्म हम करते हैं, हीबत हम करते हैं, हसद हम करते हैं, शिकवा हम करते हैं, वो सारी लाइन से आप गिनते चले जाइए और फिर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह गज़ब ना फरमाइयो, तो दुआ सिंक नहीं है ज़िंदगी के साथ। हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना, और बच्चों को ज़िंदगी में कभी मस्जिद भेजने के लिए नहीं कहा, कभी नहीं बोला बेटा उठ के नमाज़ पढ़ लो फजर निकल गई है, कभी नहीं बोला कि बेटा मौलाना साहब से कुरान शरीफ भी पढ़ लो। बच्चों को हमने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेके दिए है, बच्चों को हम फिल्में दिखाते हैं, बच्चों को हम सिनेमा ले जाते हैं और दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुत्तकियों का इमाम बना। आप खुद बताइए दुआ कैसे कबूल होगी? मतलब आप किसी शख्स के पास जाके बोलें कि भाई मैं बड़ा मेहनती हूँ, आप प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए ताकि मेरा घर का नज़र चल सके, वो आपको जॉब दे दे, अब आप काम पे ही ना जाएं, पहले दिन भी ना जाएं, दूसरे दिन भी ना जाएं, तीसरे दिन ना जाएं, फिर आप बोले आपको तनख्वाह नहीं दे रहा, तो आप बताएं वो शख्स आपके बारे में क्या सोचेगा कि बेटा आपने काम तो कुछ नहीं किया ना, काम तो जो करना था उसके बिल्कुल अपोजिट जाके कर रहे हो, उल्टा नुकसान कर रहे हो, पैसे किस बात के तो? हम दुआ मांगते हैं अल्लाह रिस्क हलाल हमें दे, और कारोबार हमारा DVDs का और वीडियो फिल्म का है, हम बोलते हैं अल्लाह मियाँ हमारे रिस्क में बरकत दे और कारोबार में हम